दोस्तों क्या चल रहा है यार। सभी को विजयदशमी की हार्दिक 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 शुभकामनाएं। काफी खुशी का माहौल है हर तरफ, देश में रावण जल रहा है। आई विश यार कि कोई इस रावण को भी जला दे, एटलीस्ट VFX ही जला दे। लाख बुराइयां थी यार रावण में, पर वो छपरी नहीं था। ये कैसे कट दे दिया भाई, यहाँ पर दो दो टो रावण कम नाला सुपार का छपरी ज्यादा लग रहा है। जब पहली बार मैंने ये टीजर देखा ना, तो मेरा ये रिएक्शन था, ये का बवासीर बना दिया। ये कैसे रामायण है भाई, जहाँ पर भगवान राम राम नहीं लग रहे, लक्ष्मण लक्ष्मण नहीं लग रहा, हनुमान जी हनुमान नहीं लग रहे, सीता माता सीता माता नहीं लग रही। और लगा क्या है, मूवी को बनाने में 500 करोड़, जिसमें से 250 करोड़ तो यार VFX का है। सारे मिलके हमको पागल बना रहे। 250 करोड़ भाई, इससे अच्छा VFX तो यार जूनियर जी का था। ऐसे कुछ ज्यादा नहीं हो गया। टीजर से अच्छी एडिटिंग तो यार इसके टाइटल अनाउंसमेंट की थी। पूरे टीजर में मुझे सिर्फ दो चीजें अच्छी लगी। पहली शरद किलकर की आवाज, आ रहा हूँ न्याय के दो पैरों से अन्याय के 10 सर कुचलने, और दूसरी लास्ट का जय श्री राम। वरना यार टीजर में आधी से ज्यादा चीजें तो यार कॉपीड है। एक्चुअली पूरा टीजर ही कॉपीड है। इंट्रो का सीन बाहुबली से कॉपीड है। प्रभास के पानी के अंदर वाला सीन भी कॉपीड है। वो उड़कर ऐसे तीर मारने वाला सीन भी ऐसा लग रहा है यार कि बाहुबली का कॉपीड है। जल देव वाला सीन नरिमा से कॉपीड है। बंदर का जंप करने वाला सीन का बैकग्राउंड एग्जैक्ट टेंपल रन का बैकग्राउंड है। और नहीं पता यार क्या क्या कितना कितना कॉपी किया है। अगर 2 मिनट की टीजर में इतना कॉपी किया है, तो पूरे मूवी में कितना कॉपी किया होगा। पुराने वाले रामायण का जो टाइटल ट्रैक था ना, मंगल भवन मंगल हारी, वो भी इस पूरे टीजर से बेटर है। और ये कैसा भगवान हनुमान है भाई, ये भगवान हनुमान कम कोई मुगल अफगान इन्वेडर लग रहा है। बात तो सही है सच में, मतलब मैं इनके अलावा किसी और को एज अ भगवान हनुमान इमेजिन भी नहीं कर सकता। ऐसा लग रहा है यार कि डायरेक्टर ने कास्टिंग डायरेक्टर को ही गलत कास्ट किया है। राम भगवान को मूछ लगा दिया, रावण को तो यार झंडू बामी बना दिया, और हनुमान जी की इतनी बड़ी दाढ़ी वो भी काले रंग की, कैसा भाई। देखो हनुमान चालीसा में बताया है कि भगवान हनुमान कैसे दिखते थे, कंचन वरन विराज सुदेशा कानन कुंडल कुंचित केसा, मतलब आपका रंग स्वर्ण के समान है, सुंदर वेशभूषा धारण कर शोभामान होते हैं, आप कानों में कुंडल धारण करते हैं, आपके केस घुंघरालू व अति सुंदर है। और इन्होंने कैसे बनाया है, सीधे बाल वाला हनुमान। बट यार अभी ये सिर्फ टीजर है, और जो भी प्रॉब्लम्स है वो एक्चुअली विजुअल्स के साथ है, जिसे सुधारा जा सकता है। आई हैव सीन अ यूट्यूबर जिसने टीजर में कुछ करेक्शन करके उसे थोड़ा और बेटर बनाया है। अगर मूवी वाले चाहे तो यार और बेटर बना सकते हैं। आई नो कि सिर्फ 3 महीने का टाइम है, बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन कम भी नहीं है। और अगर टाइम कम भी है तो यार पैसे तो है ना, 500 करोड़ पैसा ही पैसा होगा। इवन अभी मैंने देखा कि टीजर के रिलीज के बाद प्रभास ने मूवी के डायरेक्टर ओम रावत को गुस्से से अपने रूम में बुलाया। पक्का रूम में बुलाकर ना प्रभास बाहुबली बन गया होगा। टीजर खराब करने वाले की उंगलियां नहीं काटते, काटते हैं उसका सर। एनीवेज अभी हम देखेंगे कुछ ऐसे इंस्टाग्राम रील्स जो कि आदि पुरुष के टीजर से भी ज्यादा वाही आता है। चलो चलो चलो। ओके ब्यूटी खान, शिल्पा से फिगर का तो नहीं पता, लेकिन जो पैंट है वो छपरी के जैसा जरूर है, कोई बेहोशी में भी ऐसे पैंट नहीं पहनेगा। ओके ये वो भाई इंडियन टीम की है ना, कैच ले ली, ओ पीछे चल गए भाई, अपा का ड्राइव लेके
भाई यार ये तो मस्त कैच है यार। जनरली प्रोफेशनल मेल क्रिकेटर भी बहुत बार ऐसे कैच छोड़ देते हैं, बट इन्होंने पकड़ लिया। वैसे नाम क्या है? अबे साले। ओके यार ये तो एयरप्लेन का कॉर्पोरेट है और इतनी सुंदर लड़की चला रही है, वो भी बिना कोई कॉस्ट्यूम पहने। मतलब सच में चला रही है या फिर बस रील बनाने के लिए हैंडल हिला रही है? कुछ भी। ओ माय गॉड, अगेन उर्फी जावेद इस बार क्या पहना है? एक्चुअली कुछ नहीं पहना है, एक ग्लास में पेंट लगाकर अपने आगे रख लिया। क्या कारीगरी है? आई डोंट थिंक सो कि यार इसकी कारीगरी कभी भी खत्म होने वाली है। भाई झुकेगा नहीं। ओके, ऐसा क्यों लग रहा है यार कि इसने लिप फिलर लगाया हुआ है? एक चीज तुमने नोटिस की कि नहीं, इनका लिप सिंक मैच नहीं कर रहा था, इवन थोड़ा बहुत नहीं, स्टार्टिंग टू एंड बिल्कुल मैच नहीं कर रहा था। आजकल यार होटो पे प्लास्टिक सर्जरी कराने का ऐसे ट्रेंड चला हुआ है, कुछ अच्छी लगती है लाइक मौनी रॉय, वरना मेजोरिटी तो यार बकवास लगती है। तो चलो यार डैड इज इट फॉर टुडे। तुम मेरे को यार बताना कि आदि पुरुष के टीजर के बारे में तुम क्या सोचते हो, तुम्हें अच्छी लगी या बुरी लगी, मेरे को कमेंट में जरूर बताना। तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, इंस्टाग्राम पर फॉलो करो। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय।